छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सरपंच, सचिव व ग्रामीणों ने शौचालय राशि के गबन का आरोप लगाया है। यह पूरा मामला बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वार्ड नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत चावर सरई का है, जहां ग्रामीणों ने सरपंच सचिव के ऊपर शौचालय की राशि का गबन करने का आरोप लगाया है। आपको यहां यह भी बता दें कि शौचालय की राशि का गबन का मामला कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई पंचायतों में भारी मात्रा में शौचालय की राशि का गबन किया गया है। बताते चले कि नरेगा व एसबीएम के तहत ग्राम पंचायतों में शौचालय बनाने के लिए शासन के द्वारा स्वीकृत राशि दी गई थी, लेकिन सरपंच सचिव के द्वारा बगैर शौचालय बनाए फर्जी ओडीएफ कराकर राशि गबन का कार्य कर लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारे शौचालय बने ही नहीं है और कुछ शौचालय आधे अधूरे पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मीडिया को दी। मीडिया के द्वारा तत्कालीन इसका निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि वहां शौचालय में भारी अनियमितताएं की गई हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि तत्कालीन इसकी जांच की जाए और सरपंच सचिव के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाए। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सतानंद सिंह। तो क्या है समस्या आप लोगों की, विस्तार से बताइए समस्या। समस्या क्या है, शौचालय वाला जो कि ईंटा जो है कि सीमेंट वाला गिरा दिया, मैं वाला ईंटा से मैं नहीं बनाऊंगा शौचालय। हाँ। मेरे को अच्छा ईंटा दो। सचिव से भी मैं बोला तो सचिव बोला कि ठीक है देखते हैं, जब फिर इसी ईंटा को भेज दिया और ईंटा तो पूरा गल गया, तब इसमें कहाँ शौचालय बनेगा। सीमेंट दे दिया था 6 बोरी और बालू गिरा दिया था 1 टाली, बाकी क्या सामान दिया कुछ नहीं दिया, सीट दिया था। अच्छा, मैं बोला इससे नहीं बनाऊंगा, मेरे को अच्छा ईंटा दोगे तो बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। मतलब उसके द्वारा घटिया सामग्री आपको उनको दिया गया। घटिया सामग्री दिया गया, इसीलिए नहीं बनाया। और क्यों, मजदूरी संबंधित क्या समस्या? मजदूरी संबंधित क्या, मजदूरी तो नहीं मिला, खाता में आया कि नहीं आया तो पता चला कि भाई शौचालय बन जाए हम लोग का, तो शौचालय बनना चाहिए, बनना चाहिए। गोपीचंद कुशवाहा। तो क्या समस्या है आप लोगों का? हमारा शौचालय नहीं बना है और ईंटा गिरा है तो नदी उस पर ढेर दूर गिरा दिया है। तो कितना ईंटा दिया था? वो आधा टाइल दिया था, उसमें हमको पता नहीं कितना, 1000 है कितना है, 700 800। तो क्या क्या सामान दिया गया था? हमको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, बस ईटा लान के दे दिया। मैं बोला कि मेरे घर लान के रखो, तो मेरा घर नहीं पहुंचाया, नदी उसी पार करके चला गया। तो इसके बारे में सरपंच से आप लोग बात किए थे? अरे बहुत बात किए थे, कहा बोल रहे हैं कि बन जाएगा, नहीं बन रहा। मतलब वो लोग आश्वासन पे आश्वासन देते रहे लेकिन आप लोगों का भी काम नहीं हुआ है। तो आप लोग चाहते क्या है? चाहते हैं कि भाई हमारा बन जाए, अब दिशा मैदान फिर नहीं जाते हैं, ये बरसात का मौसम अगर गढ़ा झोड़ में जाते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।